हेलो एंड वेलकम बैक टू द मोटर वॉइस। तो आज हम न्यूली लॉन्च हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करने वाले। वैसे पिछले 2-3 सालों में इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड काफी बढ़ गई। ऐसे में कई कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही, जो कि इंडिया में पेट्रोल के प्राइस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कस्टमर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर कर रहे हैं। अब इन कंपनियों में ओक्या ग्रुप भी शामिल हो गया है। ओक्या जो एक बैटरी मैन्युफैक्चर कंपनी है, वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्युफैक्चरिंग में जुड़ गए हैं। कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है, जिनमें एवेन आईक्यू और क्लासी आईक्यू शामिल है, जिनके प्राइस उन्होंने 39,999 रुपए से लेकर 60,000 रुपीज रखी है। वैसे तो ये पिछले 35 सालों से बैटरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और पिछले 19 सालों से सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं। वो अभी 2060 से बैटरी बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, और अभी उन्होंने 2019 में ही बैटरी चार्जर और बैटरी स्टेशन को बनाना स्टार्ट कर दिया था। वैसे तो इसका मुकाबला ओक्या ऐसा होने वाला है, क्योंकि इसके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी को देखे तो सिमिलरिटीज बहुत आ रही है। हमारे हिसाब से इसकी टॉप स्पीड 45 से ज्यादा नहीं होगी। ये एक लॉन्ग रेंज की स्कूटर होने वाली है, क्योंकि एक बैटरी कंपनी की ओर से आ रही है। ओक्या ग्रुप जो एक बैटरी बनाने में एक्सपर्ट और साथ ही सॉफ्टवेयर की टेक्निक में उन्हें मालूम है, तो एक्सपर्ट इसी इंडस्ट्री में उतरेंगे तो बेहतर आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने वाली है। होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर रिलेटेड कंटेंट।